हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम से चुस्की। कच्चे आम से चुस्की बनाने के लिए मैंने एक कच्चा आम लिया था जिसको छीलकर काट लिया है। 2 चम्मच चीनी ली है। चीनी आप टेस्ट के अनुसार इसमें कमी या ज्यादा कर सकते हैं। 1 नींबू लिया है। 2 चम्मच पुदीने की पत्तियां ली है। 1/4 चम्मच भुना जीरा और काली मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच काला नमक। 1/4 चम्मच सादा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये खस शरबत है, इसकी जगह आप कलर भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर आता है चुस्की में डालने के लिए, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये खसखस का शरबत है इसको यूज करूंगी। 3 चम्मच और 1 कप पानी लिया है। तो सबसे पहले इस आम को हम पीस लेंगे। बारीक पीसना आम डालेंगे। ये पुदीना डाल देंगे और चीनी डाल देंगे। इसमें आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें। और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ ताकि अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। इसको हमने पीस लिया है और बारीक पेस्ट बनाया है। एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें बचा हुआ पानी डाल देंगे और ये नींबू का रस डाल देंगे। ये मसाले डाल देंगे जो हमने लिए हैं, नमक मसाले, और अभी ये खस शरबत डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको चीनी या नमक कुछ भी कम लगे तो आप टेस्ट करके इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा लग रहा है नमक तो इसमें पानी डाल सकते हैं थोड़ा। वो कम लग रहा है तो नमक वगैरह डाल सकते हैं। इन्हें हम कॉफी के कप में जमाएंगे। ये मैंने कॉफी के कप लिए हैं तो हम इसको कप में कर देंगे। इस तरह से सभी कपों में इसी तरह से डाल देंगे। सभी को हमने कपों में कर दिया है और इनके ऊपर हम फाइल पेपर चिपका लेंगे। एल्युमिनियम फाइल पेपर है, इस तरह से लगा देंगे अच्छे से, ताकि जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो फ्रीजर की नमी इसके अंदर ना आए, ये अच्छे से जम जाएगी। सभी में इसी तरह से लगा देंगे सभी कपों में। इसको पहले हम 1 घंटा फ्रीजर में रखेंगे और 1 घंटा बाद निकाल करके इस तरह से हम स्टिक लगा देंगे। और स्टिक लगाने के बाद में 4 घंटे हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। चुस्की को हमने फ्रीजर से निकाल लिया है। चुस्की हमारी जम करके तैयार हो गई है और हमने ये स्टिक लगा दिए थे। और अभी थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे इस तरह से ग्लास को। ये देखिए बहुत ही अच्छी चुस्की बन करके तैयार हुई है। सभी को इसी तरह से निकाल करके रख लेंगे। और गिलास को बिना काटे भी इस तरह से निकाल सकते हैं। थोड़ा देर इसको फ्रीजर से थोड़ी देर पहले निकाल के रख दें, इस तरह से ये आसानी से निकल जाती है। कच्चे आम की चुस्की बनकर के तैयार है। बहुत ही अच्छी चुस्की बनी है। देखिए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।